और अब खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से, जहां मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़द किया गया। नवाज शरीफ साहब के हुक्म पर हमारे डिवीजनल सदर हैं नूरुल हसन तनवीर साहब, जो कोटा बास हैं, मैंने उनके हुक्म के मुताबिक ये सारा प्रोग्राम अरेंज हुआ है। और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की, मर्दों की यहाँ पर इकट्ठी है। इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के लिए दिन रात एक कर देंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा पाकिस्तान वापसी उसी राह पर चल पड़े जो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में था। मतलब बिल्कुल अगर हम सिलेक्ट हो जाते हैं तो हमारी गवर्नमेंट आ जाती है तो बहावलपुर सूबा जैसे पहले था, हम ये चाहेंगे कि इंशाल्लाह इसकी वही पोजीशन बहाल हो जाए और हम बहावलपुर सूबे के साथ हैं। हमारी मुस्लिम लीग नून ने भी ये बिल भी पास किया था जो मौजूद है पंजाब असम्बली में। ये बिल्कुल इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ का स्पेशल हुक्म है, मरियम नवाज साहिबा का स्पेशल हुक्म है, क्या आप बहावलपुर से शुरू करें और जनूबी पंजाब जैसे मुल्तान है और उसके बाद अपना डेरा गाजी खां है, उसके बाद फिर वो प्रोग्राम रखे जाए। जब भी गवर्नमेंट मियां नवाज शरीफ साहब की आई है, मुस्लिम लीग नून की आई, तो ये बसेज हमने बहावलपुर से ही शुरू की थी और दोबारा भी वापस लाए थे। अब जो और गवर्नमेंट आ जाती है तो वो बहावलपुर के हकूक को ही गजब करना चाह रहे हैं, हम उसके खिलाफ इंशाल्लाह बोलेंगे और ये बसें दोबारा फिर वापस। लेकिन जी जो महरूमी अभी तक चली आ रही है, ठीक है नवाज शरीफ साहब भी पसंद करते हैं सारे, जो महरूमी चली आ रही है वहाँ वहाँ वो ऑरेंज वो चल रही है, मुल्तान में पिंक बस चल रही है खवातीन के लिए, हमारी बस बंदे बंद होने जा रही है, इसके बारे में तो आप कहें ना, आपकी आवाज़ तो ऊपर जाती है। हम इंशाल्लाह ताला जो हमारे डिविजनल सदर साहब है नूरुल हसन तनवीर साहब, उनके तवस्सुल से ये हम ऊपर तक आवाज़ पहुंचाते हैं इंशाल्लाह। मौजूद हैं ये कन्वेंशन में फौजिया अयूब MPA हैं साबका और बहावलपुर, और इस बड़े फंक्शन की जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं इसकी होस्ट हैं। आपने ये इतना खूबसूरत फंक्शन सजाया और अब महसूस होने लगा कि मुस्लिम लीग जो है फिर आपने उस मकाम पे छूने वाली है और स्टार्ट बहावलपुर से हुआ, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपने वाकई ये सही कहा है कि ना, वाकई जितना आज आपने ख्वातीन की ये गैदरिंग देखी है, सबसे ज़्यादा हमेशा मैंने ख्वातीन को प्रमोट भी किया है मैंने ख्वातीन को हमेशा, और आज जितनी तादाद आप देखिए इसमें तकरीबन 80% मेरे साथ ख्वातीन खड़ी हुई हैं। आज तमाम बहुत खुश जा रही हैं क्योंकि उनको आज नोटिफिकेशन किए गए हैं, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ भावलपुर आने पे मायजा हमीद का, जेब जाफिर का, और जो ना पूरी उनकी टीम को, नूरुल हसन साहब हैं। तो मैं ये कहूँगी कि इंशाल्लाह ताला अगर ख्वातीन को तो सिर्फ एक खाली पेपर भी पकड़ा दें, उनको प्रमोशन चाहिए होती है और उनका हौसला बुलंद हो जाता है। आपने देखा कि जब पाकिस्तान बना, जब भी मुल्क की तरक्की के लिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है। तो ये आज इंशाल्लाह ताला ये ख्वातीन बहुत अपने आप को, मतलब एक होपफुली के वो खुश होकर जा रही हैं कि हम जो चाह रही थी कि हमारा एक नॉमिनेशन होनी चाहिए पार्टी में, हमारे हाथ में अथॉरिटी होनी चाहिए, आज वो अथॉरिटी लेके जा रही हैं। और मैं ये समझती हूँ कि इंशाल्लाह वो बहुत बढ़ चढ़ के मजीद अपने साथ और लेडीज़ को भी साथ अपनी जोड़ेंगी और बहुत तरक्की की तरफ। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो आवाम हमें यहाँ तक लेकर आते हैं, इतना एहतराम इज्जत देते हैं, तो हम उनकी आवाज़ बने, जो उनके मसाइल हैं उनको हल करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। इस महंगाई में लोग नहीं कर सकते। पहले भी ही हुआ था कि बसेस बंद कर दी गई थी और इंशाल्लाह आप जैसे कह रहे हैं, मैंने ही इसके लिए मैंने स्टैंड लिया था और बलियो रहमान साहब की बड़ी मेहरबानी और शिरकत है कि उन्होंने फौरन स्टैंड लिया और वो दोबारा से स्टार्ट हो गया था। अगर ऐसा कोई इशू है इंशाल्लाह सारे इसको बहुत जल्द इंशाल्लाह हम